गुरुवार का साउथ थाना पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में नौकरी का झांसा देकर 5 युवाओं से 18 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रक्षित गौतम मेरठ में धागे वाले बाबा के नाम से मशहूर है। रक्षित दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है। एसीपी स्पेशल ब्रांच को एक शिकायत मिली कि महावीर विहार सेक्टर 1 द्वारका निवासी रविंदर सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, लेखा, नकद और बजट टीआर नागपाल के नाम से फ्रॉड लेटर, फॉगर्ड सिग्नेचर और डुप्लीकेट मोहर बनाकर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। एसीपी स्पेशल ब्रांच ने शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करते हुए रविंद्र सिंह से कड़ी पूछताछ की। रविंद्र सिंह ने बताया कि एक रक्षित गौतम नामक व्यक्ति उसके मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था। फरवरी या मार्च 2020 में उसकी रक्षित गौतम से मुलाकात हुई थी। रक्षित गौतम ने उसे दिल्ली हाईकोर्ट में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए ठगे। रविंदर सिंह से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि रक्षित गौतम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला न्यायालयों में नौकरी के बहाने कई लोगों से पैसे भी लिए हैं और पैसे इकट्ठा करके रातों रात कहीं भाग गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस स्टेशन द्वारका साउथ में FIR संख्या 259/2021 अंडर सेक्शन 419/420 के तहत रजिस्टर्ड करके IC अनुज को इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी रक्षित गौतम की पर्सनल डिटेल और डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें 5 विक्टिम्स और मिले जिन्हें रक्षित गौतम ने किसी न किसी बहाने से ठगा था। आरोपी के 17-18 मोबाइल नंबरों का भी पता चला। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मोबाइल सर्विलांस से आरोपी की जीरोइंग पोजीशन का पता लगाया, जो कि शिवपुरम कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश दिखाई दे रही थी। इंस्टेंटली SI अनुज यादव, हेड कांस्टेबल परवीन और कांस्टेबल विनोद की एक टीम को सादे कपड़ों में गठित किया गया और कल्प्रिट को पकड़ने के लिए मेरठ UP भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन टीम कल्प्रिट रक्षित गौतम के मोबाइल की पिन पॉइंट लोकेशन पर पहुंचकर कॉलोनी में अपने आप को स्थानीय सर्वे बताकर कई लोगों को रक्षित गौतम की फोटोग्राफ दिखाए। टीम यह जानकर चौंक गई कि कथित रक्षित गौतम अब एक धागे वाला बाबा के नाम से फेमस था और स्थानीय लोग उसका नाम बड़ी रेस्पेक्ट के साथ ले रहे थे। टीम ने कथित धागे वाले बाबा के किराए के मकान में छापेमारी कर बाबा बने रक्षित गौतम को वहीं गिरफ्तार कर लिया। इंटररोगेशन के दौरान आरोपी रक्षित कुमार गौतम ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी ने इंटररोगेशन के दौरान खुलासा किया कि वो दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला न्यायालय में नौकरी लगवाने के बहाने गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठगता था और वो भर्ती और पुलिस वेरिफिकेशन की सभी प्रक्रियाओं से भी अच्छा तरह वाकिफ था। उसने आगे स्वीकार किया कि वो ठगी की रकम अपने मेडिकल बिलों और सट्टा खेलने पर खर्च करता है। आरोपी रक्षित कुमार गौतम ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसके घर के पास विश्वास पार्क उत्तम नगर में खाली पड़े एक प्लॉट पर उसने फॉगर्ड सील और फर्जी डॉक्यूमेंट से कब्जा किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया। जांच के दौरान आरोपी रक्षित गौतम के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन के डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें जिला अदालतों में जाली ज्वाइनिंग लेटर का फॉर्मेट मिला। 52 वर्षीय गिरफ्तार आरोपी रक्षित कुमार गौतम विश्वास पार्क उत्तम नगर नई दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय से BCOM है। उसने खुद को जादू टोना और तांत्रिक के रूप में पेश किया और गरीब इनोसेंट लोगों को मूर्ख बनाकर ठगा। आरोपी रक्षित ने बताया कि वो पहले भी तिहाड़ जेल जा चुका है। वर्ष 2005 में तिहाड़ की सेंट्रल जेल में सतीश नाम के एक व्यक्ति से दस्तावेजों की जालसाजी सीखी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।